आरएसएस भाजपा ने राम मंदिर मुद्दे का जिस तरीके से राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया है, उससे ये बात सिद्ध हो रही है कि 2024 का चुनाव आरएसएस भाजपा को जीतना संभव नहीं लग रहा है, खासतौर पर तब जब इंडिया गठबंधन ने अपना गठबंधन बनाया, उसके बाद से आरएसएस भाजपा इस चिंता में पड़ी हुई है कि शायद उनको ये चुनाव जीतना संभव नहीं होगा। इसलिए चुनाव जीतने के मकसद से राम मंदिर मुद्दे का आरएसएस भाजपा राजनीतिकरण करने के काम में लगी हुई है। आरएसएस भाजपा के लोगों को ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के लिए भगवान राम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आरएसएस भाजपा के लोग राम को भगवान मानते हैं। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो जो रामायण लिखी गई उसके 400-500 साल पहले बुद्ध पूर्व काल की जो जातक कथा है दशरथ जातक, उस दशरथ जातक में राम का उल्लेख बोधिसत्व राम के तौर पर है। जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद ये रामायण लिखी गई है, और उसमें उन्होंने दशरथ जातक का जो बोधिसत्व राम है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसको आधार बनाकर आरएसएस भाजपा के लोगों ने, ब्राह्मणों ने योजना बनाकर राम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इस यकीन के साथ शुरू किया कि चुनाव 10 साल के विकास के एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, चुनाव जीता नहीं जा सकता, इसलिए राम मंदिर का सहारा लेने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत राम मंदिर बनाने का, राम मंदिर के उद्घाटन का, जो मंदिर अभी बनाए नहीं है, मंदिर बनने के लिए और 2-4 साल लग जाएंगे, अभी मंदिर बना नहीं है, आधे अधूरे मंदिर का ही उद्घाटन करने का कार्यक्रम करने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? यही तर्क हो सकता है क्योंकि वो चुनाव में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए ये माना जा सकता है कि आरएसएस भाजपा के चुनाव जीतने की संभावना कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो अयोध्या मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस राजनीतिकरण से आरएसएस भाजपा को बांध जाना चाहिए, मगर ये उनको आदत पड़ी हुई है, उस आदत के अनुसार ही वो अपना काम करते रहेंगे। दूसरी एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम है मौर्य, उसको आरएसएस भाजपा के लोगों ने पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में ओबीसी के वोट हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया था। अभी और चुनाव के मौके पर मौर्य को, इस केशव प्रसाद मौर्य के इस काम पर लगाया गया है।
और वो बार 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 जो है बयानबाजी करने के काम में लगे हुए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का आरएसएस भाजपा ने इस्तेमाल करने का निर्णय किया है, इसी के तहत ये सारा का सारा काम हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को निश्चित रूप से इस बात की समझ है, ऐसा हमें नहीं लगता कि जसरथ जातक में जो बोधिसत्व राम है उसके नाम पर सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के लिए जिन लोगों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिन ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया, केशव प्रसाद मौर्य उन ब्राह्मणों के समर्थन में काम करने का काम कर रहा है और वो लोग आरएसएस भाजपा के लोग उसका इस्तेमाल करने में लगे हुए। तो केशव प्रसाद मौर्य के बयानबाजों से भी हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद।